दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं नवी मुंबई की एक महान हस्ती से जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्टूडेंट्स को दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है देश को। मैं मिलवा रहा हूँ आपको डॉक्टर रेशमलाल बालू जी से, जिन्होंने 15 साल देश की सेवा की नौसेना में और ऑलमोस्ट 30 साल रहे भारतीय विद्यापीठ के प्रिंसिपल, और आज भी कितने ही स्टूडेंट्स उनको जानते हैं एक आइडियल प्रिंसिपल के लिए और उनके वर्किंग के लिए। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रेशमलाल बालू जी से। सो इंट्रोड्यूस करते हैं डॉक्टर रेशमलाल बालू जी को। हेलो सर, वेलकम टू स्टूडियो। सर आपका स्वागत है। सर, हमेशा से एक यूथ, एक जो कैंडिडेट है, एक जो विद्यार्थी है, वो हमेशा से कंफ्यूज रहा है कि हम कैसे अपना करियर बनाएं, क्या करें, टेंथ के बाद क्या करें, ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। और तो और सर, मैं तो कई बार खुद भी कंफ्यूज रहा हूँ। सो आज मौका लगा है इस स्टेज पर आपके साथ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में आज के डेट में क्या करना चाहिए, आज के डेट में जो कंफ्यूज्ड कैंडिडेट है उसको क्या हम गाइड कर सकते हैं। इतने सारे माध्यम हैं, तो आज इस माध्यम में, इस प्लेटफॉर्म में मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। नॉर्मली जब बच्चा 10वीं क्लास पास कर लेता है तो बहुत ही कन्फ्यूज़ होता है कि कौन सी स्ट्रीम ली जाए, कैरियर के बारे में उनको एक डिसीज़न लेना होता है। तो बच्चे को कुछ मालूम नहीं पड़ता, तो उसके लिए हम आज चर्चा करते हैं कि उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं 10वीं क्लास पास करने के बाद। तो सर क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, पॉलिटेक्निक है जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, और ITI है, पैरामेडिकल के कोर्सेज है, और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी है उनके लिए। जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स, जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज सच लाइक वेब डिज़ाइनिंग, सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी कोर्सेज, सच कोर्सेज आर देयर, जैसे कि java.net, DOA कोर्सेज, लाइक दैट मैनी कोर्सेज आर देयर। एक टेंथ पास को क्या करना चाहिए, एक ट्वेल्थ पास को क्या करना चाहिए, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए क्या क्या ऑप्शन है, जो आज की डेट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? जनरली 10वीं पास करने के बाद ये जितना भी मैंने कोर्सेज के नाम बताए हैं उनके लिए SSC पास होना चाहिए और 35% मार्क्स होने चाहिए। जैसा कि आपको इंटरमीडिएट विद साइंस जाने का है तो साइंस स्ट्रीम के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। सर, इन सब की ड्यूरेशन क्या क्या है, कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन के करने चाहिए, कोई शॉर्ट टर्म करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए? ये जो इंटरमीडिएट कोर्सेज है ये 2 साल का कोर्स रहता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सच एज, और इसके सिवाय भी थोड़े और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज, नॉट शॉर्ट टर्म, इनफैक्ट देयर आर अदर कोर्सेज सच एज फैशन डिज़ाइनिंग एंड ज्वेलरी कोर्सेज एंड कॉस्मेटोलॉजी कोर्सेज आर देयर। सर स्पेसिफिकली जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो मैकेनिकल, केमिकल, IT इन सब की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारे ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल हैं, ओके, तो उसमें मैं मैकेनिकल भी कर सकता हूँ, केमिकल भी कर सकता हूँ, करेक्ट सर? ये टेक्निकल कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज के लिए साइंस सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, और अगर पैरामेडिकल कोर्सेज करने का है, मेडिकल में जाने का है, मेडिकल स्ट्रीम में जाने का है, तो उसके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट भी साथ में रख सकते हैं बच्चे। सो दोनों में ऑप्शन मिलता है कि अगर बच्चा सोचता है कि मेरे को इंजीनियरिंग करने का ट्वेल्थ के बाद, तो वो इंजीनियरिंग में जा सकता है, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल बी काउंटेड, और अगर उसको मेडिकल में जाने का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मार्क्स विल बी काउंटेड। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? इसमें ऐसा है कि बच्चा जब डिप्लोमा कर लेता है 3 साल का, तो पासिंग करने के बाद उसको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है इंजीनियरिंग में, और मेनली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग
बहुत ही उनको टफ जाता है, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही टफ होते हैं, इसलिए बच्चा डेफिनेटली नॉर्मली फेल हो जाता है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। अगर डिप्लोमा कर लिया तो उसको एडमिशन जो एलिजिबिलिटी डायरेक्ट सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर उसका बाईपास हो जाता है। तो समझ लीजिए कि उसने इंजीनियरिंग पास कर लिया, क्योंकि उसको फाइनली जो यूनिवर्सिटी को फेस करने का एग्ज़ामिनेशन वो फाइनल ईयर में ही है। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्कूल कॉलेज एग्जामिनेशन रहते हैं और उसमें बच्चा पास हो जाता है। तो सर ये अच्छा है, मतलब ये डिप्लोमा करना मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट जो है जो फर्स्ट ईयर में है वो टफ होते हैं, वो बाईपास हो जाते हैं, और नॉर्मली पूरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में वो पढ़ लेता है, तो वही सब्जेक्ट नॉर्मली डिग्री में भी होते हैं। तो सर ये आईटीआई कोर्सेज क्या होते हैं? आईटीआई कोर्सेज जो है 2 साल का कोर्स रहता है, उसमें सिविल के कोर्स रहते हैं, मेडिकल नॉट मेडिकल मैकेनिकल का रहता है, और मशीन डिज़ाइनिंग के कोर्स रहते हैं। ऐसे कोर्स जो है वो आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर के भी कोर्सेज हैं, एसएससी विद आईटीआई विद कंप्यूटर, और आईटीआई विद मैकेनिकल, आईटीआई विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ऐसे कोर्सेज बच्चे ने सिलेक्ट किए हैं तो उनको डायरेक्ट एडमिशन डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। एक मैसेज जो बच्चों जो फिलहाल 10th के बच्चे भी पास आउट हुए हैं, ठीक है, या अभी ग्रेजुएशन करके बच्चे पास आउट हुए हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आपका? मैसेज ऐसा है कि बच्चे को पहले ही सोच लेना चाहिए कि मुझे कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। पेरेंट्स तो हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करे, इंजीनियरिंग के सिवाय तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहली बात तो है कि बच्चा जो वर्नाकुलर मीडियम से आते हैं उनको इंग्लिश की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे बच्चों को साथ साथ में इंग्लिश के कोर्स भी करने चाहिए। इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज के कोर्सेज जो रहते हैं वो करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप 8-9 महीने बीत जाते हैं डिप्लोमा करते या कोई भी कोर्स करते, तो तब उसके बाद उनको इंग्लिश समझ में आनी शुरू हो जाती है, तब तक जो सब्जेक्ट जो है वो निकल जाते हैं। तो उनको बहुत ज़रूरी है कि स्पोकन लैंग्वेज उनको आनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीचर क्या पढ़ाता है, और बच्चे नॉर्मली जब पहले लेसन में बैठते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी इंग्लिश मीडियम से बच्चे नहीं होते, तो मराठी मीडियम से आते हैं, गुजराती मीडियम से आते हैं, तो उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसे बच्चों को डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कि आपने बताया कि पैरामेडिकल के बारे में एक ब्रीफ बताया या डिप्लोमा के बारे में बताया, तो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे आने वाले एपिसोड्स में कि इनकी डिटेल्स क्या क्या है और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके लिए ये स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। सो आई कन्वे माई हार्टियस्ट मैसेज टू द स्टूडेंट हु हैव पास द SSC, HSC, ग्रेजुएशन, सो दैट दे कैन बी गो फॉर द बेस्ट करियर इन देयर लाइफ। सो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर रेशमलाल बालू जी के व्यूज, उनको सुना, और आई होप आपको वो समझ में आए होंगे और आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। और इसी के साथ मैं डॉक्टर रेशमलाल बालू जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडियो में आए, अपने व्यूज़ दिए। सर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से गुड लक। हम मिलते रहेंगे और अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बात करते रहेंगे, हम अलग अलग डिग्निटीज़ को मिलवाते रहेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। थैंक यू।